भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा होली में जिन रंगों से सदियों से सराबोर होती रही, वो रंग हाथरस में ही बनते थे। आज जरूर हिंदुस्तान के कई और शहर में रंग बनने लगे हैं, पर हाथरस में होली के रंग बनाने की परंपरा आज भी जारी है। होली में गुलाल लगाने और उड़ाने की तैयारी में यकीनन आप सब लगे होंगे, लेकिन आपको बताते चले ये हाथरस इन रंगों के लिए भी यानी कि गुलाल के लिए भी जाना जाता है। हमारे साथ अवध मौजूद हैं। क्या है खासियत और क्या हाथरस से शुरुआत हुई थी, उसके बाद काफी ज्यादा व्यापक होता हुआ चला गया, क्या है यहाँ की परंपरा इस गुलाल को लेकर? शुरुआत गुलालों की, अगर गुलाल की बात होती है रंग गुलाल की, तो हाथरस का नाम ही आता है। अच्छा। हाथरस ही गढ़ है जहाँ गुलाल का मैन्युफैक्चरिंग होती है और सब तरह की वैरायटीयां इनोवेशन सिर्फ तो यहीं से निकलती कैसे है। कैसे बनाया जाता है गुलाल? गुलाल जो है ये अरारूट से बनता है। अच्छा। अरारूट में खाने वाले जो रंग होते हैं फूड कलर्स, और साथ में जो हमारे वेजिटेबल से डाई एक्सट्रैक्ट करके हम गुलाल बनाते हैं। सरकार भी बनेगी, जो भी बने, योगी जी ही रिपीट करें या अखिलेश जी बने या किसी भी और पार्टी की, तो आप लोग, आप जो ये गुलाल के व्यापारी हैं, वो उन लोगों से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? एज अ व्यापारी हम देखते हैं सपोर्ट बहुत है गवर्नमेंट का हमारे साथ, हर तरह से साथ लेके चला है व्यापारी को उन्होंने, और व्यापारी की तो इतनी अपेक्षा होती है कि माल बस खुले तरीके से बेच पाए, लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन रहे, पर जब वैश्विक रूप पे अगर मंदी होती है, सुस्ती होती है, तो सरकार भी प्रभावित होती है। मौजूदा माहौल कोरोना का है, इसीलिए हाथरस के गुलाली बाजार ने कोरोना गुलाल भी बनाया है और दावा ये कि ये गुलाल कोरोना से बचाव करेगा। कहा जाता है आपदा भी अपने साथ बहुत सारे अवसर लेकर आती है, ये कोविड के मद्देनजर गुलाल तैयार किया गया है, क्या खासियत है इसकी? ये जीरो बैक्टीरिया गुलाल है, स्पेशल बैक्टीरिया नहीं है, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट से बनाया गया है जिससे स्पेशल प्रोसेस से निकाला जाता है जिसको, तो इसके अंदर के जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो पहले ही मर जाते हैं। पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, जो बैक्टीरिया के जीवित जीवाणु कुछ भी मौजूद ही नहीं है। कोरोना के समय का गुलाल है, आप देखिए आपदा में अवसर व्यापारियों के लिए इन लोगों ने राह तलाशी है, क्योंकि यकीनन कोरोना की वजह से व्यापार प्रभावित है गुलाल का, इस वजह से ये कोरोना मुक्त गुलाल, इसको लगाएंगे तो बैक्टीरिया आपके पास नहीं जाएगा, ये इन व्यापारी का दावा है। गुलाल के कारोबार से हजारों परिवारों का घर चलता है, कोरोना के इस काल में मजदूरों की आशंका कई गुना बढ़ गई है। कोरोना काल में समस्याओं का समाधान, समस्या आई थी थोड़ी, हमारे बाबूजी लोगों का काम भी कम चला उस समय, और समस्या तो यही थी काम कम चला, काम पूरी तरह, माल नहीं गए, माल कम गए अपने। मोदी ने सही काम किया, क्या नहीं किया है, राम मंदिर बनवा दिया। तो गुलाल के कारोबार के बाद अब बात राजनीति की। हाथरस में लंबे अरसे से बीएसपी का जलवा रहा, मगर वो जलवा 2012 तक, क्योंकि 2017 में यहाँ तो बीजेपी का तूफान आया और हाथरस के हाथ से दो सीटें बीजेपी के पाले में आ गईं। मुझे सर्व समाज का यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है और मैं इस बार निश्चित ही यहाँ से विधायक बनूंगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पूरा देश, पूरा प्रदेश जान रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत झूठे और फरे भी हैं, उन्होंने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है। आशीष शर्मा जी जो कि नगर पालिका के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो हमारे साथ है इस वक्त मौजूद हैं। सर, हाथरस में बीजेपी की क्या स्थिति है इस बार? बीजेपी की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है हाथरस में। बीजेपी द्वारा यहाँ लगातार पिछले 4.5 सालों में विकास के नए आयाम तय किए गए और बीजेपी ने यहाँ की 50 वर्ष पुरानी ओवरब्रिज की समस्या का समाधान के साथ साथ नगर पालिका द्वारा यहाँ पर तालाब, घंटाघर और जितने भी चौराहे हैं और रोड्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह डेवलप किया। हाथरस का नाम हाथरस किसने रखा, ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है, मगर हाथरस के नाम पर गजब का मजाक हुआ। 1997 में जब मायावती की सरकार बनी तो मायावती ने हाथरस का नाम बदलकर महामाया नगर रख दिया। 2002 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी फिर से इसका नाम हाथरस हो गया, लेकिन सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 2007 में जब दोबारा बीएसपी की सरकार बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने फिर से इसका नाम महामाया नगर कर दिया, लेकिन मायावती की सरकार गई और अखिलेश यादव की सरकार आई तो एक बार फिर से ये हाथरस ही है। अब इस चुनाव में ये हाथरस किसका होगा ये बड़ा सवाल है, मगर हाँ ये शहर आज भी तंज कसता है काका हाथरसी के ही शब्दों में। अंतरपट में देखिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट।
सत्य रिपोर्ट क्या रही हाथरस की, वो आपने देख लिया। काका हाथरसी यही लाइनें कहकर गए हैं। अब यहाँ पर जनता जब तीसरे चरण में मतदान करेगी तो किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको दिखाती है बाहर का रास्ता, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।